इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सभी आलिमाने इस्लाम, हमारे सभी इज्जतदार उलमा इकराम, इन सब की इजाज़त और इन सब के डायरेक्शन से मैं दो बातें आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि वतन का कानून है और लागू है, जारी है और 31 मई तक रहेगा, तो उसमें जो भी मजहबी इदारे हैं इंक्लूडिंग मस्जिद, ईदगाह, सभी वो कुछ कंडीशंस पे 3-4 लोगों के लिए खुली रखी जा रही है, वो वैसे ही रहेगा। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये ईद में भी वो लागू होगा कानून, और इस वजह से हमें और ईदगाह में, मस्जिदों में, ये कहीं भी आम तौर पे जैसे हमेशा ईद की नमाज़ होती है वो नहीं होगी, सिवाय 3-4 लोग के जो मुकर्रर हैं ऑलरेडी। उलमाओं की राय है और उनका डायरेक्शन भी है कि हम अपनी ईद की नमाज़ ईद के दिन अपने अपने घरों से और घरों में ही अदा करें। बाकी जो भी तौर तरीका जो जही नहीं जानते, जो खरियों में है, तो अपने अपने मोहल्ले में या करीबी में जा कर के आलिमों से पूछताछ करें कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है। इससे ज़्यादा बताना तो ज़रूरी है नहीं। हम यही कहेंगे कि आप सब अपने आलिमों की बात सुने, इमामों की बात सुनिए, मुतवलियों की बात मान करके, बड़ों की जमात के बड़ों की बात मान करके, अपने अपने घर वालों के, अपने पड़ोसों के, अपने मोहल्लों के सेहत का ख्याल रखते हुए जो भी आजकल डायरेक्शन आ रहे हैं उस पर आप अमल करें। ईद की नमाज के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर कुछ देना है हम ज़रूरी समझेंगे तो 1-2 दिन के बाद में फिर आप सबको बुला करके आपको बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।